जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे, चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज के पहला पाठ में प्रभु ईश्वर मूसा से कहते हैं, अपने पैरों के जूते उतार दो, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वो पवित्र भूमि है। जहां प्रभु ईश्वर उपस्थित है वह पवित्र स्थल होता है। हम प्रभु की उपस्थिति में आए हुए हैं, हम पवित्र स्थल पर प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए, या फिर यूं कहे प्रभु के बलि में सम्मिलित होने के लिए। आइए इसमें योग्य रीति से सम्मिलित होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। उचित तैयारी स्वरूप कुछ क्षण हम मौन साधे, दिल की जांच करें, किए हुए सारे पापों को, अपराधों को याद करें, उनके लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सद्गुरुओं संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है, ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब ख्रीस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रीस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयास करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और युवा पर होता कि अब योग रीति से पौत्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 से 6 और 9 से 12। पाठ का मूल सारांश है, प्रभु का दूत उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में दिखाई दिया। मूसा अपने ससुर मेदियान के याजक यित्रो की भेड़े चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत हेरोप के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा
कि झाड़ी में तो आग लगी है किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम इसाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने इज़राइलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इज़राइल को मिस्र के देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले आऊँ? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इज़राइल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी ना भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इज़राइल को अपने महान कार्य। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। आलेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने यह कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। प्रभु का सुसमाचार। मोसेस यानी मूसा पवित्र बाइबल में दिए गए सबसे बड़े नबी,
पवित्र बाइबल में दिए गए सबसे बड़े नेता, सबसे प्रबल नेता, सबसे शक्तिशाली क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता, किसी भी प्रकार से इतने महान होने के उपाधि उन्हें दिया जा सकता है। क्योंकि यदि हम निर्गमन ग्रंथ में दिए गए आंकड़ों को ऐतिहासिक माने तो बताया गया है 6 लाख पुरुष थे। 6 लाख पुरुष मतलब उनके साथ स्त्रियों और बच्चों को मिला के लगभग 20 लाख लोगों को मूसा ने मिश्रियों से जंगल से बचाकर, मिश्र से निकालकर उन्हें प्रतिज्ञा देश कानान देश पहुंचाए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। उस मूसा के जन्म और परिवेश के बारे में हमने पिछले दिनों के पहला पाठ में सुना और आज ईश्वर द्वारा मूसा का चयन, मूसा की बुलाहट और मूसा की नियुक्ति के बारे में आज का पाठ वर्णन करता है। जब मूसा भेड़े चरा रहे थे अपने ससुर के मिद्यान प्रदेश में, ईश्वर उन्हें दर्शन देते हैं और उनके लिए जो जिम्मेदारी है उसके बारे में बताते हैं। मूसा एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं, मैं कौन होता कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाला, मुझ में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ईश्वर और मूसा के बीच ये बहस चलती रहती है और आगे आने वाले पाठों में हम देखेंगे मूसा कहता है, मैं कोई अच्छा वक्ता नहीं हूं, मुझे बोलना नहीं आता, तो फिर इतनी बड़ी संख्या के लोगों को मैं कैसे नेतृत्व करूं। लेकिन ईश्वर उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। ईश्वर ने मूसा को सशक्त बनाया, काबिल बनाया और फलस्वरूप हम जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या के, इतनी बड़ी जनता को उन्होंने मिश्र के गुलामी से बचाकर प्रतिज्ञा देश तक सुरक्षित ले गए। ईश्वर जब किसी को किसी काम के लिए निर्धारित करता है तो उसे चुन लेता है, उसे नियुक्त करता है, फिर वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कितनी भी प्रकार की कमियां उसमें क्यों ना हो, ईश्वर उन्हें सशक्त बनाता है, उसे योग्य बनाता है। ये बात केवल मूसा के उदाहरण से नहीं, हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण पाते हैं। नबी यरमियस को जब चुना गया तो यरमियस ने कहा, मैं तो बच्चा हूं, मैं बोल नहीं पाता हूं, पर ईश्वर क्या कहता है, तुम्हारे माँ के गर्भ में तुम्हें गढ़ने से पहले से ही मैं तुम्हें जानता हूं और तुम्हें मैंने चुन लिया है। नए व्यवस्थान में आए तो हम पेत्रुस की ओर देख सकते हैं। पेत्रुस में ऐसा कौन सा गुण निपुण था कि वह कलीसिया का प्रथम संत पापा बने। वास्तव में देखा जाए तो पेत्रुस में कमियां कमजोरियां बहुत सारी थी। वो ना शिक्षित थे, ना किसी भी प्रकार के अन्य कोई विशेष गुण उनमें थे, लेकिन प्रभु ने उसे चुना। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर जब किसी को सेलेक्ट करता है, चुन लेता है, किसी काम के लिए निर्धारित करता है तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ता। भले ही
चुने जाने वाला व्यक्ति कितना भी बहाना क्यों ना बनाए, उस कार्य को टालने का प्रयास करे, उससे बचने का प्रयास करे, प्रभु उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कितनी भी कमियां कमजोरियां उसमें क्यों ना हो, प्रभु उन कमजोरियों को दूर कर देता है, उसे सशक्त बना देता है, प्रबल बना देता है, योग्य बना देता है। तो इसलिए हमारे लिए ये अपने मन में रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्रभु के कार्य के लिए हमें अवसर मिलता है उसे कभी उससे मुंह मोड़ना नहीं, उसे प्रभु पर भरोसा रखते हुए उसे स्वीकारना चाहिए, उन जिम्मेदारियों को अपनाना चाहिए, निभाना चाहिए। सब कुछ दो क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा, दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए ये शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो।
पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्ति मान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ, सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही दाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे, आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ, आमीन। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा और मेरे ईश्वर, तेरी वेदी के पास गौरैये को बसेरा मिल जाता है और अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। तेरे घर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है, हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल निरंतर बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदा ले, ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य
आत्मा मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दार। धन्य है मेरी आत्मा